नहीं किन्नर, मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे घर वाले भी मुझसे घृणा करते, ना उनने मुझे पढ़ने दिया और मुझे आज घर से बाहर भी दिखा। राधा ये ऐसे नहीं जाएगी, अब भूल कर भी कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। लोगों की बदनामी की वजह से मैंने तुझे अब तक अपने घर में रख रखा था, अब नहीं। नहीं अम्मा, नहीं नहीं। बला टली, चल मेरे बच्चा तुझे खाना देती हूँ, चल। पढ़ना चाहते हैं? हाँ। आज से तुम यही रहोगे, यही तुम्हारा घर। किसको लेके आई? ये तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। ये मुझे श्याम बाबू के मंदिर में मिली, रो रही थी। किन्नर, क्या आप इसको यहाँ क्यों लेकर आई हो दीदी? इसका यहाँ पे क्या काम? ये किस तरह की बातें कर रही है तुम? ये भी तो इंसान है, इसने भी तो यही जन्म लिया ना। किन्नर सुनते ही पता नहीं लोगों को क्या। श्याम तुम मेरे पास आ, दीदी मैं कुछ पल के लिए गलत सोच गई थी, एक दिन आपने भी तो मेरी ऐसी ही मदद की थी। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? श्यामा। तुमने कुछ खाया? मुझे बहुत भूख लगी, आओ तुम्हें कुछ खिला। आज एक सर आएंगे, वो तुम्हें पढ़ाएंगे सब कुछ, फिर तुम्हें डॉक्टर भी तो बनना है ना, मन लगा के पढ़ना।
नमस्कार अमिता जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे याद किया आज? एक बच्ची है जी, जो हमारी तरह नहीं है पर वो पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। तो वे चाहती थी कि अगर आप उसे यहाँ घर आके पढ़ाएं, उसकी डॉक्टर बनने में मदद कर पाए। बिल्कुल दिशा जी, मुझे भी ये काम करके बहुत खुशी मिलेगी, पर अगर इस प्रकार के लोगों को समाज में आगे आने का मौका मिलता है तो यह किसी से भी कमतर साबित नहीं होती। कहाँ पे है बच्ची? श्यामा, श्यामा, ये प्रोफेसर सचिन है, ये आपको पढ़ाएंगे और आपकी डॉक्टर बनने में हेल्प करेंगे। हेलो बोलो। हेलो सर। हेलो इता, चलिए फिर आज से पढ़ाई शुरू करते हैं। भगवान प्लीज मेरा रिजल्ट अच्छा है, मुझे डॉक्टर बनना है, आपसे यही मांगा है हमेशा से और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। दिशा जी, आपकी मेहनत सफल हुई। जय श्री श्याम प्रोफेसर सर, कुछ समझी नहीं। दिशा जी, हमारी श्यामा पास हो गई है, वो भी पूरे 98% के साथ। शाबाश श्यामा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये लीजिए श्यामा का रिजल्ट, अब हमारी श्यामा डॉक्टर बन ही गई। थैंक यू दीदी, ये सब कुछ आपकी वजह से तो हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं आज सच में बहुत खुश हूँ। पूरी मेहनत से काम करना, सभी पेशेंट्स को एक समान समझना और अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। हमेशा खुश रहना, अच्छे से काम करना। जी दीदी बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, एक बहुत ही क्रिटिकल केस है। सर एक बहुत ही क्रिटिकल केस है ऑपरेशन थिएटर में, प्लीज आप साथ।
डॉक्टर साहब अब कैसी है मेरी बेटी? वो ठीक तो जाएगी ना? बताओ ना क्या चल रहा है। प्लीज प्लीज मैं आपके आगे आ जाती हूँ, उसे बचा लो प्लीज, मेरी बेटी को बचा। आपकी बेटी का जो केस संभाल रही है डॉक्टर श्यामा, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। श्यामा? जी हाँ डॉक्टर श्यामा, आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ राधा? डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। माँ वो ये कह रहे थे कि भव्या का केस डॉक्टर श्यामा संभाल रही है। श्यामा? श्यामा तो टेंशन की कोई बात नहीं है, भव्या बिल्कुल ठीक है, बस वो दो दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहेगी, उसके बाद आप उसको घर पे ले जाएं। श्यामा तुम डॉक्टर बन गई, ये कैसे हुआ? जी हाँ श्यामा डॉक्टर बन गई और इसने ये सब कुछ अपने बलबूते पे रखा। माँ आज मैं इनकी बदौलत यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, अगर दीदी नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। बड़ी अजीब विडंबना है मासा, ये सब कुछ जानते हुए चाह कर तुम अपनी औलाद को औलाद नहीं गए। हमारे सभ्य समाज ऐसे बच्चों को अपने ही माँ बाप से दूर कर देता, लेकिन हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, हमें इन्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाना चाहिए कि ये समाज में अपना जीवन बिता सके, खुश रह सके, समाज में रह के समाज को सही दिशा दिखा सके और भगवान की भक्ति करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सके। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी ही औलाद को नहीं पहचानती। अब मुझसे एक वादा करो कि मुझे छोड़ के, हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, सदा हमारे साथ ही रहोगे। बस ना आप रोइए मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी मां मिल गई और मुझे क्या चाहिए।